अज भी प्रिंसीपल ने धमकी दी आ कि जेडे बच्चों के माँ बाप ने फीसा जमा कराती उन्होंने एग्जाम आने बाकी एग्जाम नहीं लूंगे। जे कल बच्चों की बच्चों ने कोई गलत स्टेप चक लिया या कोई बच्चा डिप्रेशन चला गया तो प्रिंसीपल मैम ही जिम्मेवार होंगे। अभी तो एक न्यू एडमिशन करवाई है मैंने अपने छोटे बेटे की, 10,000 रुपये करवा के गई हूँ और उसने स्कूल में एंट्री भी नहीं करी अभी। उसको तो पता ही नहीं कि मेरा स्कूल है कैसा और हमसे फीसें मांग रहे हैं। मार्च के बीच तो उन्होंने असं पिछले क्लास के फाइनल एग्जाम लैके उन्होंने रिजल्ट देता, उन्होंने हूँ साढ़े स्कूल लिंक खत्म हो गया। हूँ अगले साल का सू एटलीस्ट अप्रैल की फीस आएगी ता ही सू पता लगेगा कि वो बच्चा अगले साल इस स्कूल कॉन्टीन्यू कर रहे हैं। अब आपको 3150 रुपये एक 2600 4580 रुपये 7700 रुपये फीस जमा की जा रही है पूरी 2 महीने से एडमिशन फीस नाल। ये माँ बाप कितना इन्होंने फीसा जमा कराई ने, हूँ महीने की फीस लैके आए ने, हूँ पूरी पूरी फीसा मांग रहे हैं। धक्का आ उपरों धमकी दी जाती है रोस प्रदर्शन किया गया। उन्होंने स्कूल प्रशासन से मापियां नूं धमकाउण दा आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेता अब्बास राजा ने आरोप लगाया कि उन्होंने बेटा भी इस स्कूल विच पढ़ता है, हालांकि उन्होंने पूरी फीस जमा करवा दी है लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा जबरदस्ती विद्यार्थियों तो 2 महीने की फीस मंगी जा रही है परंतु मापियां को पैसे नहीं हैं, वो फीसा कितों जमा करवाण। दूसरे पास स्कूल की टीचर ने दसिया कि स्कूल द्वारा बच्चों तो सिर्फ 1 महीने की फीस मंगी गई है, वो भी सिर्फ 3 महीने की है ताकि उन्होंने पता लग सके कि केड़ा विद्यार्थी अगली क्लास में दाखिल होया है, हालांकि उन्होंने को करीब अद्धे बच्चों की ही फीस आई है। सर मजबूर किया गया, मजबूर होना नहीं पाया, मजबूर किया गया। अभी प्रिंसीपल जसबीर कौर बल जेडे GMT पब्लिक स्कूल की प्रिंसीपल जसबीर कौर बल मैम उन्होंने मजबूर किया कि पेरेंट्स आके प्रोटेस्ट करन। पेरेंट्स फोन तो कह रहे जी 1 महीने की फीस जमा करा दो, 1 महीने की फीस जमा करा दो। जो इतने पेरेंट्स आए जमा कराने लिए तो उन्होंने कहते जी 2 महीने की तो एडमिशन फीस ना जमा कराओ, 7800 रुपये 8000 रुपये 11000 रुपये भी जमा कराने कहते। कितों कराएंगे माँ बाप? मैं अफोर्डेबल वाला मैं अपने बेटे की फीस जमा करा दूंगा, मैं प्लस टू तक की इकट्ठी डाल रहे मेरे तो मैं जमा करा दूँ। पर जो माँ बाप बेचारे जिन्हें काम कर ही है नहीं, एक भैन रो रो के बेहोश हो गिर गई, एक माँ बाप एक माँ आई कहते मेरा बेटा डिप्रेशन चला गया कि आप 40 बच्चे पढ़ रहे कराच 40 बच्चों 4 बच्चों ने फीस जमा कराई है, 36 बच्चों ने फीस नहीं जमा कराई, वो एग्जाम नहीं देंगे। धमकी देंगे मैडम कि जिन्हें फीस नहीं आई एग्जाम नहीं देंगे, इन्ना फ्यूचर खराब हो जाएगा। बच्चों का आप भविख बनाने की गल करिए मैडम, इन्हें भविख खराब करने की गल ना करिए। जे बच्चे के माँ बाप ने फीस नहीं जमा कराई तो बच्चों ऑनलाइन एग्जाम तो लवो, ऑनलाइन एग्जाम तो लवो। अज भी प्रिंसीपल ने धमकी दी आ कि जेडे बच्चों के माँ बाप ने फीसा जमा कराती उन्होंने एग्जाम आने बाकी एग्जाम नहीं लूंगी। जे कल बच्चों की बच्चों ने कोई गलत स्टेप चक लिया या कोई बच्चा डिप्रेशन चला गया तो प्रिंसीपल मैम ही जिम्मेवार होंगे, बाकी माँ बाप तो फीस जमा करा के जा रहे हैं 1-1 महीने की, वो भी जुलाई के महीने की फीस जमा करा के जा रहे हैं। सर इन्होंने फीसा के मुद्दे लैके इतने सारे पेरेंट्स इकट्ठे होते सर मजबूर किया। लॉकडाउन का सर समा चल रहा, बीमारी का समा चल रहा, तुम खुद देख रहे हो वे वे बिजनेसमैन सर इस टाइम नीचे गिरे चुके, इन्हों फीसा की सर ये प्रॉब्लम हुई भी फीस जमा करवाओ। तुम दसो सर अं कितों कराओगे? जोड़ा इंसान रेंट पर रह रहा इस टाइम 8700 रुपया इकट्ठा मांग रहे सर, पहले कहते 1 महीने की फीस सर, हूँ आए हैं ये कह रहे रीएडमिशन भी देनी पेगी। सर तुम दसो कितों का इंसाफ आर? कोई हल नहीं निकल रहा, असं वेट कर रहे हैं, प्रिंसीपल मैम नहीं सामने आ रहे ना कोई स्टाफ सर सामने आ रहा, असं भुखे प्यासे सर इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख लो टेंशन कितनी है सर, देख लो टेंशन बच्चे कल सर साढ़े बच्चा कोई गलत स्टेप चकता फिर स्कूल जिम्मेदार होएगा सर इस चीज़ का। प्लीज भी सर यही कह रहे अगर तुम फीस डिपॉजिट करवाने हो तो बच्चे का सर ऑनलाइन पेपर होना, अदरवाइज नहीं होना। साडा बच्चा सर टेंशन के बीच मम्मा लिंक नहीं आ रहे, असं पेपर कितों देना है सर? आ देखो सर पेरेंट्स सारा जी इकट्ठे हुए इस गल को लैके, प्रिंसीपल मैम बाहर आन सर गल कर, असं इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक सर प्रोटेस्ट हो रहा इतने, कोई हो हल्ला नहीं हो रहा सर। ये जाए सर, मेरा नाम प्रवीण है, मेरे 2 बेटे पढ़ते हैं यहाँ पे। अभी तो एक न्यू एडमिशन करवाई है मैंने अपने छोटे बेटे की, 10,000 रुपये करवा के गई हूँ और उसने स्कूल में एंट्री भी नहीं करी अभी जी। उसको तो पता ही नहीं कि मेरा स्कूल है कैसा और हमसे फीसें मांग रहे हैं। और बड़े बेटे की भी अब कह रहे हैं हम एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे जब तक आप फीस नहीं जमा करो। मेरा बेटा बड़ा 2nd क्लास में है। हाँ जी, और ये देखो मैसेज आया हुआ है मैडम का, ये देखो 50% ट्रांसपोर्ट का लेंगे। बताओ अब लॉकडाउन में बच्चे वैनों में आ रहे हैं, पहले इनसे ये पूछो।
ट्रांसपोर्ट के भी पैसे मांग रहे हैं हमसे। नहीं आपने बात की है स्कूल प्रशासन किसी ने? सुनते ही नहीं जी, सुनते हैं ये, कोई आ ही नहीं रहा, प्रिंसिपल आ ही नहीं रही मैडम, मैडम अगर सामने सामने आए तभी तो बात हुई, सामने तो आए कम से कम, आ ही नहीं रहे सामने वो लोग, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो आपका क्या करेगा स्टेप, क्योंकि आप बोल रहे एग्जाम है, लिंक नहीं है, तो क्या करेंगे आगे? अब क्या करें बताओ, अब और तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कह रहे हैं एक एक महीने की हमसे ले लो फीस, पेपरों में तो बैठे तो कम से कम बच्चों को, बच्चे घर पे, वो छोटा सा लड़का है मेरा सेकंड क्लास में, वो पूछ रहा है मम्मी मेरा पेपर था आज, मैडम ने अभी तक भेजा नहीं मुझे, बताओ क्या करें हम? प्रॉब्लम सिर्फ इन्नी कहे कि पेरेंट्स ये कह रहे थे कि असी वन मंथ की फीस देने लिए रेडी है, प्रिंसिपल मैडम ने भी कहता कि तुसी वन मंथ की फीस दे दो, लेकिन हुन पेरेंट्स फिर क्रिब कर रहे कि असी जुलाई की फीस देनी है, पर सर जी अप्रैल च क्लासा लगी हैं, मई च क्लासा लगी हैं, ओदी फीस जी, मतलब ये तुसी कह रहे कि पुरानी फीस दे, असी ये कह रहे हैं कि अप्रैल की फीस दे दो, वन मंथ की दे दो, चाहे अप्रैल की दे दो, पर ये कह रहे असी वन मंथ की देनी है, असी जुलाई की देनी है। सर ऑलमोस्ट 50% बच्चों की अज फीस रिसीव हो चुकी है, साढ़े को 800 तो 900 बच्चे है जिन्हें फीस रिसीव हो चुकी है, वो कह रहे कि सानू पेपर नहीं दिता जा रहा, धमकाया जा रहा है सर, कोई धमकाया नहीं जा रहा, पेरेंट्स की एक ही मंग सी कि असी वन मंथ की फीस नाले असी अज का नहीं कह रहे, असी उन्होंने मई के मैसेज भेज रहे हैं, जिस दिन एक फी आया सीगा कि 70% ते ट्यूशन फीस तुसी ले सकते हो, उस ऑर्डर तो बाद असी इन्हों मैसेज किया सीगा कि तुसी अपनी फीस अप्रैल की जमा करा दो, पर उस तो बाद ना मई च फीस करवाई इन्होंने, ना जुलाई दे विच जून च कराई, उस तो बाद जुलाई च हुण जिहड़े एग्जाम्स है जिहदा साडे कोल बच्चों का डाटा ही नहीं है कि वो अगले साल इस स्कूल दे विच पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि साडे कोल उन्हां दी फीस मार्च तक दी आई हुई है, मार्च दे विच तो उन्हां दे असीं पिछले क्लास के फाइनल एग्जाम लैके उन्हां नूं रिजल्ट देता, उन्हां दा हुण साडे स्कूल नाल लिंक खत्म हो गया, हुण अगले साल का सानूं एटलीस्ट अप्रैल की फीस आएगी तां ही सानूं पता लगेगा कि वो बच्चा अगले साल इस स्कूल च कंटिन्यू कर रहा है, ते ए अप्रैल दी फीस देने तैयार ही नहीं है। हुण ए तां अज असीं हुण मान लो जुलाई च पेपर रख ले ते कह रहे असीं जुलाई तो फीस देवांगे, जे असीं अगस्त च पेपर रखांगे कहणगे असीं अगस्त च देवांगे, ये तां सर कदी खत्म नहीं ना होएगा एक तरह से। सर कोई धमकी नहीं आ रही सर, सानू तो बाहर नहीं जान दे रहे, असीं जदों बाहर निकलण की कोशिश कर रहे हैं गेट ते खड़े हो जाते हैं, जद तक कोई अथॉरिटी हले सानू कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रही उस टाइम असी की कर सकते। तुसी प्रिंसिपल मैम नाल गल कीती हो की कहंदे? मैडम कह रहे कि अप्रैल दी इहनां कोलों फीस लै लो ते असी इहनां दे पेपर दवा देने हैं, सानू एटलीस्ट पेपर दवाण दा सानू चक्कर की है कि सानू पता तो चले कि किन्ने बच्चे क्लास दे विच अगले साल च कंटिन्यू कर रहे हैं, हुण मान लो 6th दे विच 40 बच्चे साडे कोल पिछले साल सीगे, उस 40 दे विचों 20 बच्चों की फीस आ गई, हुण सानू किद्दां पता लगेगा कि वो 6th दे विचो 40 दे 40 स्टूडेंट 7th च गए है या नहीं गए, जब तक वो एटलीस्ट वन मंथ की फीस नहीं करवाएंगे। आज कितने बंदियां दी हुई है सर? आज अराउंड अबाउट मेरे ख्याल नाल 400 बच्चों की फीस आज हो गई है। परमात्मा दे घर देर है पर हनेर नहीं, अजिही कोई परेशानी नहीं जिसका कोई हल ना होवे। ज्योति सम्राट पंडित तुलसीदास जी, मन चाहे प्यारली माता पिता नूं मनाउणा, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी च झगड़ा, सौधन दुश्मन तों छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, इमीग्रेशन मसले, कर्जा मुक्ति, गुप्त वशीकरण कराओ, मन चाहा प्रेमी प्रेमिका पाओ, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। संपर्क करो 98147 56620।